हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुबी क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने, पालक, बथुआ, मेथी, ये चार चीज़ मिलाकर साग बनाएंगे आज हम। और हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, नए तो हो ही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर थोड़ी सी भी कोई बात मेरी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये सब चारों चीज़ें आज हमने काट ली हैं। मैं कैंची से काटना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे चाकू से थोड़ा आता नहीं है काटना। तो ये मैंने चारों चीज़ें काट ली हैं। अब इसके बाद मैं इनको वॉश करूँगी, तो पहले हम अच्छे से इसे काट लेते हैं बारीक बारीक। अब इसको हमने अच्छे से फैले हुए बर्तन में अच्छे से इसको धोना है। ये देखो मैंने धो लिया है। इसको 2 या 3 बार, जब तक गंदा पानी ना निकलना बंद ना हो जाए तब तक आप धोते रहो। 2 या 3 बार अप्रोक्स सारी मिट्टी जिससे निकल जाएगी। अब मैंने ये कुकर में डाल दिया। ये लगभग आधा किलो साग है। इसमें मैंने मटर और डाल दिए हैं, थोड़ी सी मटर। और नमक और आधा ग्लास के करीब पानी। अब हम ढक्कन लगा के रख देंगे। इसमें 2 सीटी बस आए, इतना हमें इतनी देर गैस ऑन रखनी है। ये देखो फ्रेंड्स, 2 सीटी आ चुकी हैं। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अभी मैंने कुछ देर बाद खोला है तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ना पानी अलग मिलेगा आपको और साग एक जगह इकट्ठा इकट्ठा किया हुआ सब दिखेगा। तो आपको क्या करना है, बाजरे का या गेहूं का ही आटा, अगर बाजरे का ना हो तो गेहूं का चलेगा, मक्के का भी होता है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के पतला सा एक घोल तैयार करना है, जिसको हम आलन बोलते हैं, आलन लगाना। तो हम इसमें आलन लगाएंगे। गैस को ऑन कर देना है, कम से कम 10 मिनट तक हमको ऐसे ही साग को उबालना है कम गैस पर। इसमें से पहले एक्स्ट्रा पानी ज़रूर निकाल देना है। ज़्यादा पानी लगे ना आपको तो एक्स्ट्रा पानी अपने चमचे से इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ उस तरीके से ही आपको निकाल देना है। उसके बाद आपको आलन डालना है इसमें। अब देखो मैं ये आलन डालूँगी इसमें। बस अब सारा पानी निकल चुका है, अब गाढ़ा गाढ़ा साग रह गया है। अब इसमें मैं आलन डालूँगी, उसमें भी थोड़ा पानी होता है इसलिए हमने सारा पानी निकाल दिया था। बस अब थोड़ा सा मैंने इसको डोंगे को हिला के इसमें पानी डाल दिया है फिर से कुकर में। अब हम इसको कम से कम हमें 10 मिनट तक इसको ऐसे ही उबाल लगाना है इसमें। हाँ फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर। ये हमने तब तक, जब तक साग हमारा उबल रहा है तक हमने 5-6 लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्च साबुत उसको काट के रख लिया है। बीच बीच में हम हिलाते चलेंगे। हमने ढक्कन ऐसे ही ढक दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, साग में जो एक लेश होता है ना वो आ गया है, चिकनाहटपन। पहले साग एक जगह इकट्ठा हो रहा था लेकिन अब नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको उबालना है थोड़ी देर तक।
कम से कम 5-7 मिनट। ये देखिए, यह अभी थोड़ा पतला है, लेकिन ये रखने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। तो हम तड़का लगाएंगे इसमें, इसमें हम ऑयल डालेंगे। उस तरफ उबल रहा है, तब उबलने वाली गैस हमने बंद कर दी है, कुकर वाली। ये हमने ऑयल डाला थोड़ा सा। अब इसके बाद हम हींग डालेंगे, उसके बाद जीरा, ये जीरा डाल दिया हमने। अब इसके बाद डाल दिया हमने लहसुन की कलियाँ। आप चाहो तो इसको टमाटर और प्याज वगैरह इससे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से किसी को पसंद नहीं है टमाटर और प्याज डाल के, सिर्फ लहसुन और मिर्च का तड़का ही हमारे यहाँ पसंद है, तो हम उसी तरीके से लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने मिर्च डाल दी थी, और अब हम सारा साग इसमें पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है हमारा साग। अब इससे खाइए, सबको खिलाइए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसका कलर आया है, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत अच्छा बना है और टेस्टी बना है। अब हम इसके साथ, बहुत से लोगों को रोटियां बनानी नहीं आती हैं हाथ से, जो हाथ की रोटी बोलते हैं ना, इनको ब्राउन रोटी भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो ये रोटियां कैसे बनाएं जिसको नहीं आती बिल्कुल भी। ये फ्रेंड्स, मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही सीखी थी, लेकिन अब तो मैं हाथ से बना लेती हूँ प्रॉपरली। थोड़ा सा इसको बेलन से बेल लो, फिर उसके बाद हाथ से पटकते हुए और डाल दो। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसको हाथ की रोटी पसंद है ना, तो वो उसको आप बना के खिला सकते हो। शुरुआत में मुझ पर भी नहीं आती थी, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। अब लेकिन मैं परफेक्ट हूँ, हर तरह की रोटियाँ बना लेती हूँ। तो ये मैंने उन लोगों के लिए बताई है जिन पे गेहूं की रोटी, जो हाथ की थपथपा के बनाते हैं हम, ऐसे ही पानी की भी बनती है। मैंने ऑयल लगाया है क्योंकि मैं चकले पे बेल रही हूँ, लेकिन जो पूरी हाथ से बनती है ना, वो पानी से भी बनती है, उनको पानी की रोटी भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको 2-4 बार पटका, और बस अब इसको भी डाल देंगे हम। पलट दिया हमने रोटी। अब जो पहले वाली रोटी थी, उसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है जाड़ों में, तो रोटी को थोड़ा गर्म होने के लिए पहले उस रोटी को नीचे डाल दो तवे पर, जो हमने पहले बनाई थी। अब ये थोड़ी गर्म हो जाएगी, उसके बाद हम गैस पर सेकेंगे। ये बेस्ट ट्रिक है, अगर आप वैसे ही डायरेक्ट सेकोगे ना, तो आपकी रोटी फूलेगी नहीं, इसलिए पहले आप उसको तवे पर गर्म कर लो, जो पहले रोटी बनाई थी। और जब हम पहली रोटी सेकेंगे, तब तक दूसरी रोटी ऑलरेडी गर्म हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फूली फूली रोटी आई है एकदम। अब दूसरी रोटी भी हमने सेक ली इसी तरीके से। इसकी रोटियों की किनारियों को अच्छे से सेकें, क्योंकि ये रोटी थोड़ी मोटी होती है फ्रेंड्स। तो ये रोटी बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, रोटियां बनके हो गई तैयार। बस अब आप इन पर घी लगाइए, और ये देखिए, यहाँ आपकी रोटी, और हमने जो साग बनाया था
बस अभी तैयार है आपका साग और रोटी, खुद बनाएं, औरों को खिलाएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, जिसको मेरी थोड़ी सी भी बात पसंद आई हो तो